हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं शिक्षक हूँ। अभी मैं आपके लिए स्टीफन हॉकिंग की कही हुई बातों को शेयर करने आया हूँ। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं, ऊपर तारों को देखो, नीचे अपने पैरों को नहीं। उसे समझने की कोशिश करो जिसे तुम देखते हो, और उसे बच्चे की मासूम हैरानी से देखते रहो, यह सोचते हुए कि दुनिया का अस्तित्व कौन सी शक्ति संचालित करती है। गूंगे और विचारहीन लोगों को स्मार्ट लोग पागल दिखते थे। बुद्धिमानी बदलाव को देखते हुए बदलने की योग्यता होती है, और इंसान की एक जिंदगी होती है इतनी बड़ी दुनिया को समझने की। लाखों वर्षों तक इंसान जानवरों की तरह ही रहता था, फिर कुछ हुआ जिसने मानव को कल्पनाओं का पंख दिया। उसने बोलना और सुनना सीखा, उसकी बोली ने उसके विचारों को आगे बढ़ाया, जिसके कारण वह साथ मिलकर असंभव को संभव बनाने लग गया। बात करने से ही मानव ने महान उपलब्धियां हासिल की हैं, और बात नहीं करना ही उसकी असफलताओं का कारण रहा है। हमारी बड़ी आशाएं भविष्य में सच्चाई बन सकती हैं। हमारे हाथ में टेक्नोलॉजी होने के कारण अपार संभावनाओं की कमी नहीं है, और यह जरूरी है कि हम बातें करते रहें। जब मैं 21 वर्ष का था तो मेरी अपेक्षाएं घटकर शून्य पर आ गई थी। उसके बाद से हर उपलब्धि कमाल की ही रही है। जब तक जीवन है तब तक आशा है। मैंने पाया है कि जो कहते हैं हर घटना पूर्व निर्धारित होती है और हम उस दिशा में कुछ नहीं कर सकते, वे फिर सड़क पार करने के पहले दोनों तरफ देखते हैं। दुनिया का मूलभूत नियम है कि कुछ भी पूर्ण नहीं है। पूर्णता जैसी कोई बात होती ही नहीं है। बिना अपूर्णता के आप और हम रह ही नहीं सकते हैं। मेरा लक्ष्य सरल है, वह है इस दुनिया को समझना। वह जैसी है वैसी वह क्यों है, और उसका अस्तित्व क्यों है। दुनिया की रचना के पहले समय द्वारा निभाई गई भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, और यह जानने की जरूरत है कि दुनिया ने अपनी रचना कैसे की। समय को भी रुक जाना चाहिए। बिग बैंग के सिद्धांत के पहले समय नहीं था। हमने अंततः कुछ पाया है जिसका कोई कारण नहीं है, क्योंकि किसी कारण के होने के लिए कोई समय नहीं था। धर्म और विज्ञान में एक मूलभूत अंतर है। धर्म शासन पर आधारित होता है, विज्ञान निरीक्षण और कारण पर। यदि समय की यात्रा संभव है तो भविष्य के पर्यटक कहाँ हैं? मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे मरने की जल्दी भी नहीं है। मेरी प्रसिद्धि की समस्या यह है कि मैं दुनिया में कहीं भी बिना अपनी पहचान छुपाए नहीं जा सकता हूँ। मेरे लिए काला चश्मा और विग पहनना काफ़ी नहीं है। व्हीलचेयर मुझे रास्ता दिखाता है। मुझे नहीं लगता कि मानव जाति अगले 1000 वर्षों तक रहेगी, जब तक कि हम अंतरिक्ष में नहीं फैल जाएं। आप दुनिया के गौरव को नहीं समझ सकते बिना इस बात को समझे कि कोई बहुत बड़ी ताकत उसके पीछे है। सभ्यता के प्रारंभ होने के पहले से मानव घटनाओं के नहीं जुड़े होने और नहीं समझने योग्य जैसी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ है। मानव ने हमेशा दुनिया के क्रम को समझने की कोशिश की है। आज भी हम जानने की इच्छा रखते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं और हम कहाँ से आए। मानवता का ज्ञान पाने की इच्छा ही पर्याप्त तर्क है हमारी निरंतर खोज की, और हमारा लक्ष्य जिस दुनिया में हम रहते हैं उसे उसकी पूर्णता में जानने से कम नहीं है। अपनी सोच को सांसारिक बातों तक ही सीमित करना मानव के उत्साह को सीमित करना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना सेशन समाप्त करता हूँ। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपने नहीं किया है, और यदि आप करेंगे, तो आगे भी हम मिलते रहेंगे। थैंक यू।